हेलो एवरीवन, आज आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं आया हूं अपने ग्रीन हाउस के सेट पे। जैसे कि आप सभी लोग को बता दूं कि मैं एक एग्रोनॉमिस्ट हूं, मैंने एग्रीकल्चर बीएससी से किया हुआ है और फिर एमएससी भी एग्रीकल्चर से किया हुआ है, एमएससी इन एग्रोनॉमी। और जहां तक कि हमने जो इंटर की पढ़ाई की हुई है, इंटर वो भी मेरा एग्रीकल्चर से रहा है। लोग जैसे कि बायो और मैथ पढ़ते हैं, हमने वहां पे एग्रोनॉमी और एनिमल हस्बेंड्री इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट की पढ़ाई की। इसमें कि जो है 11th और 12th दोनों जो है बोर्ड होता है। तो हमने पढ़ाई करने के बाद हमने अपना व्यवसाय शुरू किया है। जैसे कि आप सबको बता दें कि मेरे एक पिताश्री जो है वो एक किसान है, फार्मर हैं, बहुत ही अच्छी खेती करते हैं। उनका उद्देश्य मुझे एग्रीकल्चर पढ़ाने का यही था कि मैं एक नौकरी ना करके एक एग्रीकल्चर में ही कोई काम करूँ, अच्छा काम करूँ, खेती किसानी करूँ। तो अभी मैं अपने खेतों में आ चुका हूँ वापस से पढ़ाई पूरी करके। जैसे कि हमने सबसे पहले बनाया है ग्रीन हाउस, जो कि एक एकड़ एरिया बना हुआ है। एक एकड़ एरिया तब पूरा होगा जो ये पाइप लगे हुए हैं, इसके ऊपर भी हम सेट डाल देंगे तब एक एकड़ पूरा होगा। तो एक एकड़ एरिया के हिसाब से मेरे पास सारा मटेरियल रखा हुआ है, नेट वगैरह। तो हमने हाफ एकड़ से थोड़ा सा ज्यादा उसमें नेट हाउस बनाया है। उसके अंदर क्या करते हैं, हमने उसमें क्या कर रखा है इस वक्त, आइए आपको दिखाते हैं। क्योंकि मैंने सब्जी और वेजिटेबल ना ग्रो करके, जैसे कि लोग वेजिटेबल्स आजकल ग्रो कर रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। लोग जो है आजकल फ्रूट्स की खेती कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूँ। आइए दिखाते कर जा रहा हूँ मैं अभी आपको ग्रीन हाउस के दूसरे साइड से दिखा रहा हूँ। क्योंकि पिछली वीडियो में लोगों ने कमेंट किया कि मैं बंबू से बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, या इसमें कितनी कॉस्ट आएगी। तो मैं इस वीडियो में अपने इस ग्रीन हाउस में जो पैसा लगाया गया है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास इतना पैसा तो नहीं होगा, आपको पता ही होगा मैंने बहुत कम पैसे में बनाया है इसको, आपको आइडिया नहीं होगा। इसलिए मैं साइड में आया हूँ दिखाने के लिए आपको। तो आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे क्या इसके अंदर है। इस साइड में जो एक ऐसे पर्दा पड़ा हुआ है वो थोड़ा सा व्यू को खराब कर रहा है। रीजन उसका ये है, अंदर जो प्लांट है वो टिश्यू कल्चर प्लांट है, छोटे छोटे थे, तो उधर से धूप आ रही थी बहुत ज्यादा। तो हमने बताया कि जैसे कि आपको मेरे पास पर्दा रखा हुआ था, उसको थोड़ा डाल दिया गया एक्स्ट्रा, ताकि जो है धूप कम आए, उसको एक दो दिन में हटा दिया जाएगा। ये है पिलर, सीमेंट स्लॉक है, ऊपर गया, ऊपर चार छेद है। पिलर के अंदर जो पाइप है उसके अंदर बहुत हल्का पाइप यूज किया गया, बहुत ज्यादा हल्का, इतना हल्का कि हमारे वहाँ मिल नहीं रहा था इतना हल्का, तो हम बाहर से मंगवाना पड़ा है। फिर ऊपर से तार डाला गया है, यहाँ पे दिखाने में थोड़ा सा आसानी होगी। और जो ऊपर जो ब्लैक कलर का है वेस्ट पाइप है, आप उसके जो रस्सी यूज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और फिर इसको लगातार सिल दिया गया है यहाँ पे, तो तार उसे सिला गया तार से, लेकिन बाकी हमने सारा जो सिलाई करवाई है वो धागे से करवाई है। कैमरा मेरा उतना अच्छा है नहीं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें, इसीलिए बता रहे साथ ही साथ में। अब आते हैं अपने साइड की ओर, उसके बाद अपनी मेन क्रॉप पे आ जाते हैं। ये पिलर है, इसमें ये प्लास्टिक वाला तार बांधा गया है। जब आप मेरी कश्मीरी एप्पल बेर की खेती की वीडियो देखेंगे तो उसमें तार यूज करते हैं हम, तो वही रखा हुआ था। ये तार की कॉस्ट आई है मेरे को लगभग 700 रुपये, जो कि पूरे ग्रीन हाउस में चारों तरफ से लगा दिया गया है। और दूसरी चीज़ जो लोहे के तार की कॉस्ट आई है वो 12,000 रुपये, आपको आएगी 9 से 10,000 रुपये। जब आप हमसे बात करेंगे, बताएंगे फला जगह से आप ऑर्डर लगा दीजिए, ये जा करके ले आइए। और पाइप की कॉस्ट आई 55,000 रुपये, नेट हाउस का कॉस्ट आया 55,000 रुपये, पाइप की कॉस्ट आई 45,000 रुपये। सब मिला करके टोटल जो लेबर और ये कॉस्ट और ये कंक्रीट गिट्टी मोरंग सरिया सीमेंट और ये ऊपर का तार नेट और सिलाई लेबर कॉस्ट, सारी मेहनत, जितना भी टाइम लगा, जो जो भी चीज़ लगी, हमने तो एक्स्ट्रा खर्चा किया, वो सारा कुछ मिला के 1,24,000 में हमने ये ग्रीन हाउस तैयार कर लिया है। क्योंकि मैं एक एक्सीडेंट हूँ, मेरे पास पढ़ाई करने के बाद कुछ भी है नहीं कि कोई पैसा लगा दे, कुछ ऐसा हो जाए। तो 1,24,000 में एक एकड़ में आप बना सकते हैं मेरी तरह ये ग्रीन हाउस। ये ग्रीन हाउस का नेट थोड़ा कम क्वालिटी का है, कम अच्छा है, लेकिन अगली बार हमको जानकारी नहीं थी, अगली बार हम बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज़ करेंगे, वो चलेगा 4 से 5 साल। आपको भी अगर लेना है तो हमको कॉन्टेक्ट करेंगे, हम बताएंगे कहाँ जाके लो या बताएंगे कौन सा लो। मोनो टेप के बहुत सारी क्वालिटी आती है, जिसमें हम जो थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए थे, आप ना फंसे। ये डबल सेट क्यों डाला हुआ है, धूप ना आए, अभी प्लांट मेरा बहुत छोटा था। आइए दिखाते हैं जो हमने लगाया खेतों के लिए बेचने के लिए, वो ये है बनाना जी नैने वैरायटी। ये जो है हमारे वहाँ खेती होती केले की, तो इसको हमने, इस वक्त सीजन है मई चल रहा है, जून जुलाई में इसकी सेल स्टार्ट हो जाती है 20 जून के बाद, तो हमने 1,00,000 पौधा मंगवा लिया है। ये आया है गुजरात से, टिश्यू कल्चर लैब से पौधा आया है, तो इसको लगाया गया है। इसकी सेल यहाँ पे 16-17 रुपये पर प्लांट है, तो मान लीजिए अब इस वक्त हम 17,00,000 रुपये के इंसान हो चुके हैं अभी से। ये प्लांट बहुत कम पैसे में मंगाया गया है, अब इसको हम सेल करेंगे। 1,00,000 पौधा है, आप देख लीजिए, और 1,00,000 पौधा तो मेरा आराम से सेल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास 40,000 सेल, लगभग 42,000 पौधों की सेल का ऑर्डर मिल चुका है। 10 दिन के अंदर वो भी मिल जाएगा, मतलब सेल होने से पहले ही मेरा सारा पौधे का ऑर्डर मिल जाएगा। और हमने ऊपर फॉगर सिस्टम भी नहीं लगवाया, क्योंकि 40 से 50,000 रुपये खर्चा आ रहा था। तो हमने क्या किया है, बोरिंग करा के 1 किलो का पंप रखवा दिया, 6,000 रुपये खर्चा आया। अब साथ में जो पाइप है, इसी से
हल्का हल्का ऊपर से अपने हाथों से स्प्रे कर देते हैं। देख लीजिए G9 का 1 लाख का पौधा है और इसके अंदर कोई दिक्कत आपको दिख रही तो बताइए। पॉगर ना यूज़ किया हमने क्योंकि अभी बजट में नहीं था। पाइप से पानी डाल रहे हैं, आराम से कर रहे हैं। और उस साइड कॉर्नर में आप देख रहे हैं जो पॉलिथीन पैक भरे हुए हैं, चलिए वहीं चलते हैं। ये मिट्टी भर के रेडी करवा लिया गया, इसमें पानी भरा जाएगा और मेरा पौधा गुआवा का जो अमरूद का पौधा है, गुआवा ताइवान पिंक गुआवा और गोल्डन जो नई वैरायटी ताइवान की आई है उसको भी हमने मंगवा लिया है। लगभग 5000 पौधा मेरा आज रात में आ जाएगा, 4 से 5 दिन के बाद 5000 और आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे गुआवा की बहुत ज़्यादा डिमांड है। हम उसको बहुत कम पैसे में बेच रहे हैं, इतने कम पैसे में कि आप यकीन नहीं कर सकते। मेरी इस वेबसाइट पर जाएंगे, जो मेरी वेबसाइट है यहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं अपने प्लांट्स को। अगर आप हमसे प्लांट लेते हैं डिलीवरी में चालू, यहाँ से पौधा आपके खेत तक पहुँचने तक अगर कोई भी प्लांट खराब होता है तो उस पौधे का पैसा चाहे आप हमसे ले लें, चाहो तो आप अपने पौधे हमसे दोबारा से मंगवा लो। डिलीवरी का कोई पैसा नहीं लगेगा, हमारी जिम्मेदारी आपके घर तक पहुँचाने की। ऑल इंडिया कहीं भी हो, पूरे पैन इंडिया कहीं भी हो, हम आपके घर तक पहुँचाएंगे। अगर मान लीजिए कि जो है वो पौधा आपने खेत में लगाया, मान लीजिए वो डैमेज हो चुका है, जैसे कि कुछ पौधे होते 4-5 डैमेज हो गए, आप सोचेंगे हम बहस करेंगे कि आपका पौधा आधा खराब हो गया है, अब बहस करेंगे इसको लगाओ 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 सही है अपने। हम यहाँ तक ये भी कह रहे हैं अगर आपने खेतों में लगाया और 1 हफ्ते के बाद उसमें 100-200 पौधे सूख गए, 10-20 भी सूख गए, खराब हो गए, ड्राई हो गए या वो टूट गए, जो भी हुआ उसकी भरपाई हम करेंगे। आप चाहो तो हमसे उसका पैसा ले लो, ऑन द स्पॉट गूगल पे कर देंगे, ऑनलाइन पे कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि उतने पौधे हम भेज दें तो उतना पैसा पौधा प्लांट आपको भेज देंगे। अगर 1 हफ्ता छोड़िए, 2 हफ्ता छोड़िए, 3 हफ्ता छोड़िए, पूरे 1 मंथ तक अगर आपके खेतों में पौधा सूखता है या खराब होता है तो वो मेरी जिम्मेदारी, उसका पैसा मैं वापस करूंगा या तो आपको प्लांट वापस करूंगा, प्लांट आपको भेजूंगा, जो जिस पे आप निश्चित होंगे कि हाँ हमको प्लांट चाहिए या पैसे चाहिए, आपका डिसीजन होगा। अगर आप कहेंगे मुझे प्लांट चाहिए तो प्लांट भी दोबारा से भेजने की मेरी जिम्मेदारी है। मुझे यकीन है कि अगर कोई 1000 पौधा लेके जाएगा और अपने खेतों में लगाएगा तो 50 पौधे जरूर डैमेज होंगे, वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। गुआवा का प्लांट हमारे पास अवेलेबल है, आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं, आज ही रात में आ जाएगा। और साथ में जो अर्ली जो एक वैरायटी आई हुई है जो कटहल की है, नीचे से लेके ऊपर तक भरा हुआ रहता है, उसका ही पौधा अपने पास है, कल या परसों में आ जाएगा, उसका भी ऑर्डर आप लगा सकते हैं। और जो भी वैरायटी हम रख रहे हैं, जैसे कि अभी मान लीजिए अलाहाबादी सफ़ेदा है, अलाहाबादी सफ़ेदा जो वैरायटी है वो बहुत अच्छी मानी जाती है, सबसे अच्छी वही मानी जाती है। उसके बाद उसका क्रॉस आया लखनऊ 49, तो लखनऊ 49 और अलाहाबादी सफ़ेदा ये सब बहुत अच्छी वैरायटी है, लेकिन इन सब का बाप है वो है ताइवान पिंक गुआवा। हमने उसकी पहले मार्केट में वैल्यू पता की, जैसे कि मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, हमको बताया जाता है आप वही खेती करें, आप वही किसानी करें जिसका जो है पहले से आपको मार्केट में रेट आप पता कर लें, जब उसके प्राइस पता हो जाए मार्केट में बिकेगा नहीं बिकेगा वो खेती करें, तो मार्केट में वैल्यू उसका 100 रुपये किलो जाता है, इस वक्त कुछ नहीं तो 50 रुपये किलो आराम से बिक रहा है। अगर आप 3 एकड़ में लगा लेते हैं 1 साल में 50 लाख रुपये कहीं नहीं गए। और ये ताइवान पिंक गुआवा साल में 3 बार होता है। अब हम बता रहे हैं, हम उस तरह के यूट्यूबर नहीं, मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, मेरा तात्पर्य किसी को प्लांट बेचने का नहीं है, मेरा मकसद ये है कि अच्छी वैरायटी बताएं। अभी ये बात आ गई तो अब आगे की वीडियो अपने खेत में बनाते हैं। हमने ताइवान पिंक गुआवा की बात की, 3 एकड़ में हमने खुद ऑलरेडी लगा रखा है, प्रॉफिट होता है तभी हम उसको सेल कर रहे हैं, लखनऊ 49 नहीं सेल कर रहे हैं, है अच्छी वैरायटी, मैं नहीं कह रहा खराब है, वो तो बेहतर है, अगर वो सलमान खान है तो ये भी शाहरुख खान है, बेहतर है वो। तो चलिए आपको पहले अपने खेत से चलते हैं, ताइवान पिंक गुआवा के खेत। दूसरी हमने बात की थी केले की खेती, आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं, मैं लगभग 100 बीघा केला लगाता हूँ हर साल, और केले की क्वालिटी वो रखता हूँ, पूरे इंडिया में सबसे अच्छी क्वालिटी मेरी है, चैलेंज कर सकता हूँ, लिंकिट, जोमेटो, लूलू मॉल, हाइपर, जितने भी मॉल या मार्केट है, सारी जगह मॉलों में मेरा केला जा चुका है, आप यकीन कर सकते हैं कितनी अच्छी केले की खेती करते हैं। अब आई कटहल की बात, हमने कश्मीरी एप्पल बेर लगाया हुआ है 3 एकड़ में, उसको 1 एकड़ खाली करके उस खेत के अंदर हम लगाने जा रहे हैं ये कटहल का पौधा 1 एकड़ में, ये बस यही 15 से 20 दिन में उसको भी हम लोग रोपण कर देंगे, आप इसी चैनल पे देखने को पाएंगे। मैं एक किसान हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि दूसरे के खेत में जाके वीडियो बना रहा हूँ, नहीं, मैं अपने ही खेत की वीडियो बना रहा हूँ, अपना ही दिखा रहा हूँ। मैंने जैसे कि कहा कि मेरे पिताजी एक फार्मर हैं, तो आइए पहले इस यूनिट हाउस को जैसे मैंने चालू किया है, ताइवान पिंक गुआवा बेच रहे हैं, ताइवान पिंक गुआवा की अपनी ही बाग में लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा मेरा खेत। हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी कहा कि चलिए आपको अपने ताइवान पिंक गुआवा की बाग दिखाते हैं, तो मैं उस हाइट पे हूँ, रोड पे खड़ा हूँ, नीचे गड्ढे में मेरा ये वाला खेत है, यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पे खेती नहीं होती, आप देख सकते हैं चारों तरफ जंगल है, कोई खेती नहीं है, लेकिन हम लोग खेती कर रहे हैं, ये रोड है,
और हर एक तरफ बाग है। बाग भी अच्छी नहीं कि हम वहाँ से आम उत्पादन होता है या ना कुछ होता है, यहाँ पे हमने लगाया हुआ है ताइवान सिंह गुआवा जो कि मेरा था खेत है। आइए चलते हैं, मेरी बाग है, इसमें थोड़ा सा टाइम नहीं मिला काम करने का, इसीलिए खरपतवार ज़्यादा है क्योंकि अपने पास खेती बहुत ज़्यादा है, अमरूद भी है और पेड़ भी है और राइबनिंग चैम्बर काम भी है। अपने वीडियोज में हम देखते रहते होंगे शायद अगर पुराने सब्सक्राइबर होंगे। आइए आपको दिखाते हैं ताइवान सिंह गुआवा, उसके बाद भी सिंह के अंदर कितना ज़्यादा फैलाया हुआ है। ये इतना बड़ा प्लांट है, ये आप 6 महीने में इतना बड़ा कर सकते हैं क्योंकि अब जो हम प्लांट लोगों को बेच रहे हैं सेल कर रहे हैं वो थोड़ा सा बड़ा प्लांट मंगवा के बेच रहे हैं, हमें दूसरी नर्सरी से लिया था। तो आइए आपको दिखाते हैं कितना सारा इसमें फ्रूट लगा हुआ है, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। आप गिनती कर पाए तो गिनती करते रहना, ये देखिए फिर ये देखिए। हमको तो ऐसा लग रहा है प्लास्टिक वाला तार इसमें भी यूज़ करना पड़ेगा जब इसका जो है ये फल बड़ा होगा, क्योंकि साइज इसका काफ़ी बड़ा रहता है और इसमें पैकिंग की जाएगी, पन्नी और पेपर से कवर किया जाएगा। देख लीजिए हर एक ब्रांच पे जैसे लग रहा है लीफ कम हो और फ्रूट ज़्यादा हो, ये देखिए आप। और साइज देखिए पेड़ का कितना बड़ा है, मैक्सिमम 3 फीट, कितना स्ट्रांग पौधा है। आप इतना बड़ा पौधा करने में आपको सिर्फ 6 महीने या 8 महीने लगेंगे, 8 मंथ में ये इतना बड़ा हो जाएगा। और पहले साल आपको कम उपज मिलेगी क्योंकि पौधा आपका छोटा रहेगा, जैसे कि ये ऐसे रहेगा तो कम ब्रांचेस रहेंगे तो कम फल आएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आपको पर प्लांट 25 से 30 किलोग्राम फल मिलेगा, और एक प्लांट से 25-30 किलोग्राम और 3 बार मिलेगा, साल में 3 बार इसके अंदर हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। अगर आप 1 एकड़ में लगाते हैं तो 925 पेड़ लगेंगे, 925 पेड़ में अगर 75 किलोग्राम 75 किलोग्राम अगर उपज हो रही है साल भर में, 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आप आइडिया लगा लीजिए, कुछ नहीं तो 40 से 50 लाख का प्रॉफिट इसके अंदर है। कटहल का ऐसा पेड़ है कि उसमें हमेशा कुछ फूल लगे रहेंगे, कुछ बतिया लगी रहेगी, कुछ फल लगा रहेगा, आप साल के 12 महीने उसको हार्वेस्ट करते रहेंगे। 2-3 बीघे में उसको लगा लें, 2 एकड़ में इसको लगा लें ताइवान पिंक गुआवा, और 1 एकड़ में लगा लें कश्मीरी एप्पल बेर। मेरा वादा है आप डेली 5,000 रुपये का कुछ ना कुछ हार्वेस्ट करके जरूर बेचेंगे, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं, और यही मॉडल हमने अपने दोस्तों को लगवाया है, बहुत सारे लोगों को बताया यही लोग कर रहे हैं। और बागवानी करना, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन, इन सब से कहीं ज़्यादा आसान है, रिस्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। बागवानी मज़ा भी आता है, खेत आएंगे आपको सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा, सब कुछ होगा। ये मेरा गंदा खेत है, रीज़न इसका यही है कि हम लोग टाइम नहीं दे पाए, लेकिन वादा करते हैं आपसे 1 हफ्ते बाद इसको आप भी देखेंगे कि कैसा साफ़ सुथरा खेत है। और अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोज़ को उन लोगों तक शेयर करें जो खेती करते हैं या खेती में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं शेयर करने के लिए उनको बोल रहा हूँ जो मेरे काम के हों, ताकि मेरी सेल बढ़े और मेरा कुछ सपोर्ट हो सके। एक फार्मर के रूप में मैं आया हूँ अपनी नौकरी वोकरी छोड़ के, प्राइवेट जॉब ब्लिंकिट में मिल रही थी काफ़ी अच्छी, सुपर प्लम में मिल रही थी काफ़ी अच्छी, लेकिन मेरे पिताश्री ने पढ़ाया इसीलिए था कि मैं खेती करूँ और कुछ लोगों को अपने वहाँ काम पर रखूँ, उनका भी घर चले। तो जो मेरा मोटिव है वो सक्सेस हो सके, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ मेरी वीडियो को शेयर करें। आप लोगों का इतनी बड़ी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।